जय श्री राम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे क्षत्रिय राजा के रूप में विश्वामित्र जी की। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गादी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गादी के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ है सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिन के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गौ का आह्वान करके विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नंदिनी गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र ने उस गौ को वशिष्ठ जी से मांगा, पर वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया और उसके सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे नंदिनी, यह राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको शाप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इसे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूँ। उनके इन वचनों को सुनकर नंदिनी ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। और कोई उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने नंदिनी को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही नंदिनी ने योग बल से अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज्य सिंहासन सौंप कर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। कठोर तपस्या करके विश्वामित्र जी ने महादेव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।